आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष जी और हमारे ये बीच के दैनिक दशहरा के अगुवा श्री द्विवेदी जी श्याम साधु और हमारे डरमऊ नगर प्रशासन। पत्रकारिता का क्षेत्र हमारे समाज का एक चौथा स्तंभ है। अगर किसी इमारत की नींव खड़ी की जाएगी तो ना तो एक पाए पे खड़ा हो सकता है, ना दो पाए पे, ना तीन। जब तक वो चारों पाए अपनी अपनी जगह पर मजबूत नहीं होंगे वो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। स्थिति यह है कि एक पाया जो खड़ा है वो अपने अंदर नहीं देखता, वो सामने वाले पाए की स्थिति को देख रहा है कि वो मजबूत है कि कमजोर है, कि उसके अंदर कहां कालापन है कि कहां उसके अंदर सफेदापन है। बाकी जो तीन पाए हैं वो अपने अंदर नहीं देख पा रहे हैं। यही कारण रहा कि समय समय पर इस चौथे स्तंभ पर बहुत सारे हमले हुए हैं, लेकिन आज भी मीडिया इस देश की सबसे बड़ी बैकबोन बनकर खड़ी हुई है और उसने सिद्ध किया है। एक नहीं हजारों मामले ऐसे आए हैं, आवाज भी बना रहेगा। हाँ ये जरूर है हमारे आपसी मतभेद भी हैं और मतभेद का कारण भी है कि अभी नेशनल प्रेस क्लब, राष्ट्रीय नेशनल प्रेस क्लब की अगुवाई में जो है गठित की जा रही टीम है, उस पर विचार भी किया जा रहा है कि हमारे जो क्षेत्रीय पत्रकार बंधु हैं या जहाँ ग्रामीण अंचल के पत्रकार बंधु हैं उनका अखबार के माध्यम से भी शोषण होता है। इसके अलावा क्षेत्र के दबंग टाइप के लोग हैं, उनके खिलाफ अगर कोई सही समाचार छप जाता है तो वो भी अपनी गुस्सा का जो है इजहार करते हैं, तो इस पर भी विचार चल रहा है।